हे व्हाट्सअप पीपल, वेलकम टू द चैनल। गाइज, आज का टॉपिक है कि हाउ टू ट्रांसफ़र योर फंड्स फ्रॉम डीमैट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। जी हाँ गाइज, अगर आपके मन में ये सवाल आता है बार बार कि यार जैसे आपने बैंक में से अपने ब्रोकर को तो पैसे दे दिए हैं, अब उस पैसों को आपने आगे इन्वेस्ट भी कर दिया है स्टॉक मार्केट में, और लेट से आपके पास मुनाफा हो गया यानी कि प्रॉफिट हो गया है स्टॉक मार्केट से, तो आप उस पैसे को वापसी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट में, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी के बारे में, स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप अपने खुद के पैसे को प्रॉफिट होने के बाद वापसी अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और साथ ही साथ गाइस इस वीडियो को लाइक करें। मिनिमम लाइक प्ले गेम है, 50 लाइक कम से कम इस वीडियो पर आने चाहिए, तो इससे मोटिवेशन मिलती है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गाइज, तो मैंने यहाँ पे जो मेरा ब्रोकर है जीरोधा, वो मैंने खोल लिया है, तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो जैसे ही मैं अगर अपना ब्रोकर खोलता हूँ, उसकी ऐप खोलता हूँ, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको नज़र आएगा, जिसमें कि वॉच लिस्ट नज़र आ रही है, जिसमें आपने काफ़ी स्टॉक जो है वो ऐड कर रखे हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, टॉप बॉटम राइट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं आपको अपने अकाउंट में जाना है। तो चलिए मैं इस पर अगर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसी स्क्रीन मेरे पास आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके पास आई। यहाँ पे आपको जाना है फंड्स वाले ऑप्शन पे। तो चलिए फंड्स वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करके चला जाता हूँ। अगर आप जैसे फंड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो गाइज़ यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको नज़र आएगी, जिसमें कि आपको अवेलेबल मार्जिन दिखाई देगा और अवेलेबल कैश का जो ऑप्शन है वो आपको दिखाई देगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मार्जिन यूज जो है वो 58,000 के करीब कर रखा है। तो गाइस, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस पैसे को जो भी मेरा डीमैट अकाउंट में है उसको मैं अपने वापसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। यानी कि मैं नहीं चाहता कि आगे कोई भी पैसा मैं अपना स्टॉक मार्केट में लगाऊं, तो इस पैसे को मैं वापसी जो है विड्रॉ कर लूँगा अपने बैंक अकाउंट में। तो गाइज़, यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, विड्रॉ का ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही आप विड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, जिसमें कि कंसोल यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरी की पूरी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको विड्रॉवल बैलेंस जो है आपको नज़र आ जाएगा। गाइज़, ध्यान रखें, यहाँ पर विड्रॉवल जो बैलेंस होता है वो उसके पीछे भी एक लॉजिक है, वो मैं लॉजिक आपको क्विकली बता देता हूँ। देखिए, होता क्या है कि लेट सपोज़ आपने मंडे को स्टॉक्स जो हैं वो सेल ऑफ किए अपने। अब मंडे को स्टॉक सेल करने के बाद जो आप उसका जो पैसा है वो तुरंत विड्रॉ नहीं कर सकते। यहाँ पे T+2 यानी कि मंडे को जो स्टॉक सेल किए हैं उसका पैसा आप वेडनेसडे की नाइट को अपने डीमैट अकाउंट से निकाल सकते हैं। तो यहाँ 2 दिन का आपको जो वेट है वो इमिडिएटली आपको करना पड़ता है अपना पैसा जो है वो विड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा लगभग 293,242 के आसपास जो पैसा है वो मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन है नीचे, एक तो है विड्रॉ टू बैंक और दूसरा है इन्वेस्ट इन ICICI प्रूडेंशियल ओवरनाइट फंड। देखिए, यहाँ पे मेरा जो मकसद है वो ये है कि मैं वापसी इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा, विड्रॉ टू बैंक वाले पे, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना। यहाँ पर मैं विड्रॉ अमाउंट डाल दूंगा कुछ इस तरीके के, आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने विड्रॉल अमाउंट डाला, उसके बाद मुझे करना है प्रोसीड। तो चलिए मैं प्रोसीड कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल्स आ चुकी है मेरी स्क्रीन पे, जो कि मुझे कंफर्मेशन दे रही है कि ये जो आपकी बैंक डिटेल्स है इसमें जो पैसा है आपका वो कन्फर्मली पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं चेक करना है, एक बार अपने उसके लिए चेक कर लीजिए कि बैंक अकाउंट आपका सही है या फिर नहीं। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट मेरा बिल्कुल सही है, तो मैं यहाँ पे इसको कंफर्म कर देता हूँ। अब जैसे मैं कंफर्म करूँगा, तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो विड्रॉल रिक्वेस्ट है वो प्लेस हो चुकी है, और अगर आप देखेंगे स्टेटस तो वो पेंडिंग है। अब ये सवाल उठता है कि जैसे आज आपने जो है ये विड्रॉल की रिक्वेस्ट जो है वो डाली है, अब ये जो रिक्वेस्ट है ये 8:30 बजे शाम को प्रोसेस होती है, यानी कि 8:30 बजे रात को जो आपका पैसा है वो प्रोसेस हो जाएगा, और बाय मैक्स कल सुबह तक आपको ये जो पैसा है वो अकाउंट में आपके दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है मेरी विड्रॉल की रिक्वेस्ट जो मैंने डाली है, अभी स्टेटस इसका जो है वो पेंडिंग है, और अगर मैं कल सुबह देखूँ अपने अकाउंट में तो वो मेरे अकाउंट में आप देखने को मिल जाएगी।
गाइस ये थी स्टेप बाय स्टेप डेमो वीडियो ऑन हाउ टू विड्रॉ मनी फ्रॉम डीमैट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कर दें सभी दोस्तों के साथ, सभी फ्रेंड्स के साथ, और लाइक करना मत भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है, लेकिन प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज़ जो हैं वो बिल्कुल चेक करें, फ्री की वीडियोज़ हैं, मैं कोई पैसा नहीं लेता, बिकॉज ये चैनल आप ही के लिए फ्रीली अवेलेबल है, बस आपका सपोर्ट चाहिए तो इसको शेयर कर दीजिए, बस इतनी ही आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया आपका बहुत बहुत अपना समय देने के लिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।